अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना में तारिफ दाऊद। और आज का खाना में जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे, आपको पता है कि हम जो है इस वक्त मुहर्रम हराम के बामुकद्दस महीने में माए मुकद्दस में हैं, जहाँ पे जो है शहादत इमाम हुसैन और जो है शहदा की यादों में हम नियाज और नजर का इंतज़ाम करते हैं। अगर आप भी करेंगे तो ये चावल बनाएं, यानी कि हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, और गुड़ वाले चावल आपके नजर नियाज में बहुत आपको ये रेसिपी काम आएगी। आए चल के बनाते हैं गुड़ वाले चावल। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आए चल के बनाते हैं गुड़ वाले चावल। जी, आ गए किचन में। सबसे पहले गुड़ वाले चावलों के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे 500 ग्राम चावल के लिए 500 ग्राम गुड़ को पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ इसे हम उबालेंगे, अच्छी तरह से उबालेंगे। यहाँ पे 1 ग्लास दूध भी शामिल करेंगे। दूध एक तो अच्छा कलर दे देगा, देसी घी का टच जो दूध पकने से हमारे गुड़ वाले चावल में आएगा, प्लस मैल को काट देगा। तो यहाँ पे हमने ये गुड़ शामिल कर दिया, दूध शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसे इतना बॉईल करेंगे कि हमारा जो है वो गुड़ पिघल जाए और अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपने गुड़ वाले चावल बनाने का प्रोसीजर। ये देखिए, हमारा दूध और हमारा गुड़ बहुत अच्छी तरह पक गया, एक शीरा तैयार हो गया। पर पानी का ख्याल रखें कि अगर जितने चावल हैं उस हिसाब से पानी रखें। पानी अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो बहुत शीरा पकाने में प्रॉब्लम होगी। बस अब इसे बंद कर देते हैं, और मेरे हिसाब से मैं इसे थोड़ा सा छान भी लूँगा और हम आगे का प्रोसीजर बढ़ा देते हैं। गुड़ वाले चावल के लिए हम आधा किलो चावल ले रहे हैं। यहाँ पे आपको भीगे हुए चावल नज़र आ रहे हैं। ये क्या करेंगे, हम सारे चावलों को उबालेंगे। यहाँ पे दालचीनी का 1 पीस, इलायची के 2-3 दाने, और 2-3 दाने यहाँ पे हम ले रहे हैं लौंग। यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब इन चावलों को उबाल लेंगे। 95% उबालने के बाद हम इन्हें ड्रेन कर लेंगे। चलिए, माशाल्लाह से हमारे चावल उबल गए। अब हम अपने बना रहे हैं गुड़ वाले चावल का प्रोसीजर। यहाँ देसी घी तकरीबन 4 टेबल स्पून, आधा किलो चावल के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसीजर होगा, क्योंकि सारा कुछ हमने आपके सामने कर दिया, हमने शीरा भी आपके सामने बनाया। यहाँ पे आ गए कुछ गरम मसाले। यहाँ पे आपको नज़र आएगा, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे गरम मसालों की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून भर के सौंफ। चली गई यहाँ पे भीगी हुई किशमिश थोड़ी सी यहाँ, और थोड़ी सी हम गार्निशिंग पे देंगे। बादाम को छिलका उतार लिया था, थोड़ी अंदर डालें, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रखें। और यहाँ नारियल के सूखे नारियल को स्लाइसिस कर दिए थे, घी यहाँ पे आ गए। अच्छा, मेवों को हमने थोड़ा कड़कड़ा लिया ताकि और खुशबूदार हो जाए। यहाँ आसान तरीन प्रोसीजर के तहत बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। जो शीरा बनाया गुड़ का, ये इधर आ गया। और हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक खूबसूरती के लिए, कोई लोग करते हैं कोई लोग नहीं करते हैं, शामिल कर रहे हैं बहुत हल्की सी पिंच मैंने यहाँ पे पीला कलर, जर्दे का कलर, ताकि चावलों का कलर बहुत खिल के आता है। अगर गुड़ ने भी कोई प्रॉब्लम की होती, क्योंकि गुड़ भी जो है बाज़ का प्रॉब्लम करता है। इसको उबाल आने देंगे। हमारे यहाँ शीरा जोश खाने लगा। अब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें एक ख्याल रखना होता है, शीरे को ज़्यादा पकाने से भी शीरा अकड़ जाता है, जब झाग नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे शामिल कर देंगे अपने उबले हुए चावल। और आपको मैंने बताया था कि 95% चावलों को मैंने उबाला है। जब भी ज़रदा या गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो चावल ज़रा भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। यहाँ इसको देखें, पानी की भी आप ये देख रहे हैं कि पानी इतना ही है जितना मुझे दम पे, क्योंकि ये अभी ये चूंकि शीरे वाला पानी है, थोड़ा सा मुश्किल से ही ड्राई होगा। तो पानी बहुत ज़्यादा होगा तो हमें क्या होता है, एक तो चावल का भी पता नहीं चलता, चावल भी जो है वो प्रॉब्लम कर जाते हैं, और शीरा ड्राई करने में घंटा लग जाता है। इसे बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे। चलिए, पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया, इतना पानी मुझे अभी चाहिए
क्योंकि चूंकि शीरा वाला या गुड़ वाला पानी है, काफी टाइम ले जाएगा, चावल कड़क हो जाएंगे वरना। तो इतना पानी रख के हम इसको ढक्कन लगा देंगे, पहले 5 मिनट के लिए हाई पावर पे रखेंगे, इसके बाद इसको स्लो पे करेंगे, कम से कम 15 मिनट का दम दे देंगे। चले, 15 मिनट का अच्छा दम दिया और हमारे बेहतरीन तरीन जो है वो गुड़ वाले चावल तैयार हैं। नजर न्याज के लिए मुहर्रम उल हराम के दिनों में आपको बहुत सारी रेसिपीज ऐसी चाहिए होंगी जो आपको लगता है कि आसान भी हों और बहुत यूनिक हों, रिवायती हों। तो ये हमारे गुड़ वाले राइस तैयार हो गए हैं, चावल तैयार हो गए हैं बहुत ही रिवायती अंदाज के साथ, और मुहर्रम उल हराम में ज़रूर बनाएं। नज़र न्याज के सिलसिले में आए इसको प्रेजेंट करते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाएं।